नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भगवता की रहने वाली एक महिला द्वारा अपने पति पर मारपीट और घर से जबरन निकाले जाने के आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। भगवता निवासी सर्वेश सिंह चंदेल ने बताया कि उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया है। कोई भी सामान घर से नहीं दिया गया है। महिला ने बताया कि पति बबलू सिंह चंदेल द्वारा मारपीट की गई, साथ ही साथ उनके छोटे भाई द्वारा कहा गया कि पुलिस को शिकायत कर दो, वे पुलिस से नहीं डरते। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई है और जान को खतरा भी महिला ने बताया है। आज पति ने मारपीट की, वो कहे घर से निकलो और कह रहे कि निकल जाओ लेकिन सामान नहीं देना है। बच्चों को भी निकाला, कुछ सामान नहीं दे रहे। उनके चाचा लोग बदतमीजी से बात कर रहे, कह रहे यहाँ से निकलो, सामान नहीं लेके जाना। मारपीट की है, बाल पकड़े और हाथ से हाथ में खुल लौंच दिया और कह रहा कि यहाँ से जाओ। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? बबलू सिंह चंदेल, और वो छोटे वाले हैं गुल्ले। उनने कहा कि तुम पुलिस को बुला, हम किसी से नहीं डरते। इसकी शिकायत की थी जी, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहाँ पर आए क्या सर? आज हम SP ऑफिस आए हैं। क्या कहा गया? कार्रवाई करो, नहीं हमारी बच्चों को हमारी जान को खतरा है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। संकुल प्राचार्य सटई के स्थानांतरण होने और पदोन्नत होने पर उन्हें स्टाफ द्वारा नम आंखों से विदाई दी गई। इस मौके पर विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें स्टाफ के लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि SK मिश्रा को सहायक संचालक छतरपुर का पदभार सौंपा गया है। इस बार शासन द्वारा व्यवस्था की गई है कि सहायक संचालक हर विकास खंड में नियुक्त किए जाएंगे। जो वरिष्ठ प्राचार्य हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा छतरपुर में जिला स्तर पर जो सहायक संचालक हैं वो अलग होंगे। उस पद पर हटवारा प्राचार्य PK रघुवार की नियुक्ति की गई है। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य RP शुक्ला, माध्यमिक शाला के हेडमास्टर उमेश गुप्ता सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। शुक्ला द्वारा और पदोन्नत हो गई है मेरी, सहायक संचालक के पद छतरपुर में भोपाल से आदेश मिला, उसके तहत लोगों ने विदाई पार्टी रखी और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। एक दिन पहले लवकुश नगर के ग्राम तीरा में लोगों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया था और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और उन पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की थी। इस मामले में अब तीरा की सरपंच कौशल्या यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि उनके परिवार के लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि मृतक धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने आत्महत्या के पहले 100 Dial को भी फोन किया था कि वो घर से झगड़ कर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार के लोगों पर मामला दर्ज किया गया जो कि गलत है और इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे पुत्र प्रमोद अहरवार को झूठी रिपोर्ट में फंसाया गया है। वो पहले धर्मेंद्र बोकानंद सोहन पहले रोजगार कार्यालय रोजगार का काम करता था और जहाँ से इसकी नियुक्ति हो गई उसको अलग कर दिया पंचायत ने, तो एक तो दुश्मनी मानने लगा कि मेरी जगह जे आ गया। दूसरा एक केस में इनको गवाह बना दिया था प्रमोद अहरवार को, तो उसने सही गवाह दी थी इसलिए उसको फंसा दिया गया, बुराई मानने लगा सोहन। 11 लोगों को क्या कारण रहा जो फर्जी फंसा रहे हैं? बस बुराई का कारण रहा है, उसको निकाल दिया था रोजगार सहायक का, वो भी काम करता था उस समय पहले, अब वो अलग हो गया उससे। पूर्व सरपंच उनसे काम करवाते रहे, जब रोजगार सहायक की नियुक्ति हो गई तो उसको अलग कर दिया। कुछ नहीं, हमारे बरवा हमारा एक लड़का सरपंच है, एक लड़के दो लड़के, एक पटवारी एक मास्टर है, और हमारा कुछ नहीं उनसे विवाद है। सोहन विश्वकर्मा ने हमें लबरा फंसाया और प्रेम बाबू जी ने। कारण क्या फंसाने का? ये हमारा देख नहीं जाता है कुछ, हमारे लड़कन का भविष्य नहीं देखो जा, और क्या कारण है? कुछ नहीं कारण, हमसे कुछ लड़ाई नहीं। हम सब दो जन की जाँच करो कि हमारा बच्चा निर्दोष फंस रहा है कि कैसे। छतरपुर में तो एक हमारा लौड़ी में, तो हमारा सब ठेकेदार हमारे छतरपुर में, तो कोई हमारा घर है ना, तो तुम गांव से जाकर
निवेदन पूछ लूँ मैं जाके। कौन फंसा रहा लड़के को आपका? सोहन विश्वकर्मा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जुझार नगर थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेरा कसार से एक महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। खेरा कसार से आई हुई महिला जयदेवी ने बताया कि जब वो भैंस चरा रही थी उसी दौरान आरोपी उनके पास आए और उसके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की भी कर दी। उसने बताया कि चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। ये मारपीट और गाली गलौज उस दौरान हुई जब वो खेत पे भैंस चरा रही थी। पहले ने बताया कि जुझार नगर थाने में भी ज्ञापन दिया गया लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब जाकर उसे मजबूर होकर पुलिस अधीक्षक के सामने गुहार लगानी पड़ी। कुछ नहीं होगा, भैंस यहाँ चरा बते हो, कोई भैंस यहाँ के लाई जाते हो तो भैंस यहाँ ना लाई जा इतनी मार उसमें डंडा मार दू है। पहले हुदा मारू है, हुदा से फिर मई लाठी मार दई है, उसमें गिर गई हूँ, फिर मई होश नहीं रहू। बमान ने हाँ खूब पहचाना थू, मोर कोनो सुनाई नहीं है। खाने गई तो मोर कोनो सुनाई नहीं है साहेब। आज मैं आई हूँ छतरपुर सुना में, मैं भी चाहती साहेब की अब डेढ़ो चाहिए संजय खान बताया गया है। यह युवक 315 बोर का अवैध कट्टा लेकर के मोहल्ले में घूम रहा था तो पुलिस को सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा उस आरोपी को 315 बोर के अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह के निर्देश अनुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर, नगर पुलिस अधीक्षक उमेश शुक्ला के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सरिता बर्मन के नेतृत्व में एसआई नंद किशोर सोलंकी, सहायक उप निरीक्षक दारा सिंह, आरक्षक राजेश पाठक, अभिषेक भदौरिया, विकास खरे, प्रहलाद राम सन त्रिपाठी आदि की टीम को गठित करके बड़कुल चौक के पास आरोपी सीनू संजय खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 315 बोर के देसी कट्टे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने 2527 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है। जी, आज वरिष्ठ अधिकारियों से थाना प्रभारी महोदय से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार यानी रखे थे, बोले कट्टा लेके बड़कुल चौराहे के पास में खड़ा है गली में, आप जाके चल के देख लो। तो चूँकि मैं थाने पर था तो वहाँ से अपने साथ में ASI दारा सिंह, आरक्षक राजेश, अभिषेक और अन्य स्टाफ लेकर जब बड़कुल चौराहे पर पहुंचा तो जो पास वाली गली है उसमें से एक लड़का भागने की कोशिश करने लगा। जब उसको घेराबंदी करके पकड़ा, उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सीनू उर्फ संजय खान बताया। तो जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक 315 बोर का देसी कट्टा मिला, जिसके संबंध में उसे कोई कागजात या लाइसेंस मांगा गया जो उसने नहीं दिया। अवैध रूप से हथियार रखने के एवज में इससे इसकी मौके पर जब्ती की गई कट्टे की, इसकी गिरफ्तारी की गई, गिरफ्तारी की सूचना इसके परिजनों को बुलाकर दी गई और उसके बाद आरोपी को साथ लेकर मैं अमराइबल के थाना आए और थाने पर 2527 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खास खबर जो कि छतरपुर शहर से है। छतरपुर शहर के देरी रोड स्थित महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के द्वारा वृक्षारोपण की कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वन के परिक्षेत्र के अधिकारियों के साथ उनके वन रक्षक भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें महर्षि विद्या मंदिर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर वन परिक्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार अवस्थी व उनके साथ में वन रक्षक पवन शर्मा, राम बाबू शुक्ला भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर वृक्षों के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि जीवन में इंसान को पेड़ लगाना है, पेड़ धरती पानी को जरूर सुरक्षित रखता है। विद्यालय के प्राचार्य सी के शर्मा ने अतिथियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जुलाई से ही आरंभ हो जाता है, जहां पर छात्रों द्वारा कक्षावार पेड़ पौधे भी लगाए गए। आज धरती का श्रृंगार पेड़ों के पौधों को लगाकर किया गया है, जहां पर धरती हरी भरी होती है वहीं पर मन भी हमारा हरा भरा हो जाता है। ऐसे संदेश के साथ बच्चों से सीधा प्राचार्य रूबरू हुए। आदरणीय प्रधानाचार्य साहब, जो महर्षि विद्या मंदिर के आदरणीय शर्मा जी, आपका सतत प्रयास रहता है, हर दम हर साल पूरे 4 माह प्लांटेशन का कार्यक्रम करते हैं
उसमें एक दिन हम लोगों को भी अवसर मिलता है कि हमको आमंत्रित किया जाता है और यहाँ पर बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करके हम लोग वृक्षारोपण करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि वृक्षारोपण करके हमें क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई के बाद एक प्लांटेशन प्रोग्राम क्रमशः हर जगह चलता है, तो उसी तारतम्य हमारे विद्यालय में भी चलता रहता है और उस उपलक्ष्य में, क्योंकि एक ये पर्यावरण से संबंधित होता है, फॉरेस्ट से, वन्य जीव जंतु से संबंधित होता है, और उसमें यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर अगर आते हैं और बच्चों को उद्बोधित करते हैं और मोटिवेट इंस्पायर करते हैं तो डायरेक्टली उन पर अफेक्ट करता है। उस उपलक्ष्य में आज इस प्लांटेशन प्रोग्राम में हमने हमारे जो सीनियर मोस्ट DFO हैं, बहुत कर्मठ और ईमानदार, मिस्टर विनोद कुमार अवस्थी जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था, उनके वन कर्मचारी थे, उन्होंने हमारे बच्चों को बताया कि पेड़ पौधे लगाने से क्या फ़ायदे हैं और आज क्या पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है और उससे कितना एक हानि जो है हमारे मानव को हो रही है और उससे बचाव कैसे करना है। और उन्होंने प्रेरित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, जल बचाएँ और अपने आसपास के वातावरण को बहुत सुंदर बनाएँ, जिससे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ आपके जीवन को आगे बढ़ा सके। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस के अवसर पर शहर के पन्ना रोड पर स्थित होटल ओम साईंराम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां एक ओर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया तो वहीं दूसरी ओर आए हुए अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया। यहाँ पर श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए शहर के 2 पत्रकारों को मंच से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता DIG अनिल महेश्वरी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काशी प्रसाद महतो, राजा राम सिंह एवं रामकृपाल चौरसिया, SP तिलक सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, ASP जयराज कुबेर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए कहा कि मंच पर बैठी जिन विभूतियों के कारण हम आज आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, उनका पूरी पीढ़ी पर हमेशा से ऋण रहेगा। उन्होंने छतरपुर के विकास के मुद्दे पर कहा कि हमेशा से ही छतरपुर मेरे लिए दूसरा घर रहा है और इसके विकास के लिए सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वही शुरुआत हुई है वृक्षारोपण से। आज आजाद देश के नागरिक अब ऐसी विभूतियों से हैं जो हमारे मंच पर बैठी हैं और उसके बाद आने वाला कर्ता, चाहे आपका हो, चाहे हमारा हो, चाहे हमारे आने वाली पीढ़ियों का हो, भविष्य सुरक्षित तभी है जब वृक्ष सरकार के भरोसे अगर हम रहेंगे तो सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हर वर्ष बनती हैं, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो या सरकार हो, करोड़ों वृक्ष लगते हैं और बहुत सारे सूख जाते हैं इसलिए कि उनसे भावनात्मक रिश्ता नहीं होता। जब हम अपने घर में पेड़ लगाएंगे, जब हम अपने कुएं के ऊपर पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भावनात्मक रिश्ता हमारा उनके साथ जुड़ता है। आज कार्यक्रम भले ही अलग हो लेकिन वृक्षारोपण से शुरुआत हुई है, इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक प्रण जरूर इस बात का लें कि अपने ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आज इस दुनिया में नहीं है और हमें आजाद करा के चले गए, उनकी स्मृति में कम से कम 5-5 पेड़ लगाने का नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि हम सभी जनप्रतिनिधि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छतरपुर जिले का विकास करेंगे। अर्चना जी जो आपकी शहर की प्रथम महिला है, बहुत अच्छा है और मन के भाव भी अच्छे, और जिस मन से उन्होंने कहा है कि छतरपुर के विकास के लिए योजना समिति में उन्होंने बात की थी तो मीटिंग की बात के निर्देश तो मैंने वहीं पर दे दिए थे, लेकिन उससे आगे बढ़ के मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि केवल छतरपुर के विकास की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के विकास की तरफ तो हमें जाना है, लेकिन ईश्वर ने जिस ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक,
अनुग्रह वाले और वीरों की भूमि बुंदेलखंड में हमें पैदा किया है। संपूर्ण बुंदेलखंड की भी चिंता स्वाभाविक रूप से हमारी आप सब की चिंता है, चाहे बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र में विकास की बात हो। मैं इतना आप सबको और अर्चना जी आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री होने के नाते, आपके जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते, और ये मंत्री और संतरी के पद तो आते जाते रहते हैं, इस पार्टी के नाते, आपके भाई होने के नाते, चाचा होने के नाते, इस धरती का बेटा होने के नाते, विकास की जहां बात आएगी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर एक एक क्षण पूरी ताकत के साथ। उन्होंने मंच से अग्रवाल समाज के 10वीं में पढ़ने वाले 27 और 12वीं में पढ़ने वाले 17 होनहार छात्रों का सम्मान भी किया, जिन्होंने इन कक्षाओं में 80% से भी अधिक अंक हासिल किए हैं। इस मौके पर पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पत्रकार अंकुर यादव और नीरज सोनी को भी शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। कार्यक्रम में अग्रवाल महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष कमल अग्रवाल ने सभी अतिथियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्वागत करते हुए अपने पिता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अग्रश्री परमलाल अग्रवाल को याद किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सुमति प्रकाश जैन ने किया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सिविल लाइन थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस युवक के पास से लगभग 850 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस TI ने जानकारी देते हुए बताया कि अंगीठी ढाबा के पास से एक युवक की सूचना मिली थी कि उसके पास गांजा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर दीपक उर्फ रामजी सोनी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि गांजे का तस्कर रहा है। ये छतरपुर जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है गांजे की कार्रवाई हेतु, तो ये CSP सर और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अंगीठी ढाबा के पास में एक कोई अज्ञात व्यक्ति गांजा लिए हुए की खबर आई थी, जिस पर से मुखबिर सूचना की तस्दीक पर से हमने मौके पर कार्रवाई करी, तो एक व्यक्ति जो संदिग्ध हालत में था उसकी तलाशी ली गई, तो उस पर 860 ग्राम करीब गांजा जब्त किया गया है, और जिसे जब्त कर मौके पर कार्रवाई की गई और उसको आज GR पर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खजुराहो में तीसरे दिन भी हड़ताल देखने को मिली। यहां पर एयर कनेक्टिविटी और ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने तथा पर्यटन को बढ़ावा तथा व्यवसाय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खजुराहो के बाशिंदों द्वारा हड़ताल का आयोजन किया गया था। इस हड़ताल के आह्वान पर पूरे नगर के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस मौके पर विदेशी पर्यटकों ने भी इस मामले को समझा और हड़ताल में लोगों का साथ दिया। खजुराहो पर्यटन बचाव समिति के बैनर तले धरने पर बैठे पर्यटन कारोबारियों के समर्थन में विदेशी सैलानियों ने भी अपने हस्ताक्षर किए। And I wanted to ask you for some interest in the action for more planes to India and vice versa, or in India vice versa. It's good for your economical situation and also for people that have interest in the situation in India. In according the tourism, it is very important. So I support the action. Well, the only thing I can do is to support it here in this place and to give my signature. Well, I just signed over there on the great big board, and I think it's very good to have lots of flights for people to come here and visit beautiful. पश्चिम मंदिर समूह के समीप बनाए गए धरना स्थल पर लगे सपोर्ट अस बैनर पर हस्ताक्षर करते हुए विदेशी पर्यटकों ने भी कहा कि खजुराहो जैसे विश्व विरासत स्थल पर सरकार को जल्द से जल्द बेहतर सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। इस मौके पर होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंट, गाइड, ऑटो रिक्शा और दुकानदारों ने संयुक्त रूप से तीसरे दिन भी अपने कारोबार बंद रखे। खजुराहो में आप अगर देखें तो इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड गवर्नमेंट को यहां पर फोकस करना ही पड़ेगा। ऐसे आंदोलन और होंगे अगर गवर्नमेंट नहीं फोकस करेंगी, तो गवर्नमेंट को फोकस करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे ऐसा आंदोलन और करेंगे, आज आप लोग कर रहे हैं, कल दूसरा कोई करेगा कोई चीज़। क्योंकि खजुराहो अगर आप देखें तो इनका रोजी रोटी सिर्फ टूरिस्ट से चलता है। अगर टूरिस्ट ही नाम नहीं आएगा तो कैसे ये लोग घर चलाएंगे अपना। हम लोग बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारा भी होटल बंद हो जाएगा। नहीं, टूरिस्ट मेन कोर बिजनेस इज टूरिस्ट
एंड गवर्नमेंट को फोकस करना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं फोकस करेंगी टूरिस्ट कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, फ्लाइट्स बढ़ाने पड़ेंगे, अच्छे क्लास चेयर कार या एसी ट्रेन बढ़ाने पड़ेंगे। गेस्ट आते हैं यहाँ, टूरिस्ट भरा रहता है, हम और आप अभी तक बिजी रहते हैं, पूरा होटल भरा रहता है, कहाँ है टूरिस्ट, आप मुझे दिखाइए। और ये जो फ्लाइट हो रहे हैं रेगुलर, ये पूरा 12 मंथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑफ सीजन सीजन, कोई ऑफ सीजन नहीं होता। अगर आपके पास टूरिस्ट आते रहेंगे तो पूरा ऑन सीजन है। सर ये तो देखिए, अब जो हो चुका है पास्ट में उसके बारे में बट हमने आने वाले सालों के लिए देखना है इसको कैसे बेहतरी कर सकती है, हमें यहाँ की जनता के लिए इसको आगे बढ़ाना है। बिकॉज खजुराहो में टूरिज्म के थ्रू बहुत सारा रोजगार बढ़ाया जा सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। एंड अगर ये बढ़ाया जाएगा तो ज़रूर हम अपने लेवल से भी काफ़ी काम कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स मेरे को ये लगता है, जैसे मैं विदेश में बहुत घुमा हूँ, बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मैंने कवर करी है, एंड मेरे को ये लगता है कि खजुराहो जैसी जगह अभी तक का मैंने कहीं नहीं देखी। आफ्टर कमिंग टू खजुराहो मेरे को ये लगता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है एंड इसे डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। फॉर्चुनेटली हम शायद सही डायरेक्शन पे अब जा रहे हैं एंड ऐसे बहुत सारे आंदोलन आगे ले जाएंगे, कनेक्टिविटी की समाधान हो जाएगा तो आई एम श्योर टूरिज्म भी बढ़ेगा, एंड देन टूरिज्म बढ़ेगा तो आई एम श्योर सबके लिए बेहतरी होगी। लोगों ने बताया कि उनकी दो प्रमुख मांगे हैं, केंद्र सरकार से पूरी होने तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। हालांकि आंदोलन की जानकारी लगते ही एयर इंडिया के CMD अश्विनी लोहानी ने फोन से ही धरना स्थल पर बैठे लोगों को संबोधित किया और वादा किया कि 28 अक्टूबर से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से खजुराहो के लिए प्रतिदिन आएगी। अभी ये फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन आ रही है। हालांकि उनकी मांग पूरी होने के बाद भी आंदोलनकारी धरने पर बैठे रहे। उनका कहना है कि हमारी एक मांग पूरी हुई है लेकिन रेल सुविधा को लेकर सरकार का ऐलान होना बाकी है। इसके लिए आंदोलनकारी रेलवे स्टेशन पहुंचे और झांसी रेल DRM को भी एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सर ये खजुराहो से आंदोलनकारी आए हैं आपको ज्ञापन देने के लिए, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इस मैसेज को आप कहां कहां फॉरवर्ड करेंगे? माननीय मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय झांसी ने भेज दिया है सोशल मीडिया के द्वारा कल प्रॉपर तरीके से माननीय मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय झांसी ने भेज दिया है। तो अभी आपकी क्या फोन पे उनसे कोई बात हुई है, इसमें उसने कोई आश्वासन दिया क्या आपको? अभी तो आश्वासन जैसा कुछ नहीं दिया है, हमारे अधिकारी इस पर डिस्कस कर रहे हैं जो भी बताना चाहता है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव में गल्ला मंडी मोहल्ले में एक मकान में एक युवक की लाश पाई गई। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने लाश जब्त करके मामला दर्ज कर लिया है, अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक गल्ला मंडी के पीछे एक संदिग्ध लाश पाई गई है। किराए के मकान में वीरेंद्र सिंह राजपूत नाम का एक शख्स रहता है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह नाम के इस युवक ने 3 दिन पहले ही कमरा किराए से लिया था, लेकिन 3 दिन तक परिजनों से कोई बातचीत और मुलाकात ना हो पाने पर उसका छोटा भाई हरी सिंह वहां पहुंचा तो देखा कि बाहर से ताला लगा है। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे भाई का शव लहूलुहान अवस्था में मिला। जब ताला तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो देखा कि उसके सर पर कुछ चोट के निशान हैं। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मैं सुबह से आया और उधर फाटक की सांस से मैंने झांक के देखा, उधर मक्खी उड़ रही थी तो झांक के देखा कि मेरे भाई की लाश में पड़ी हुई है। थाने में सूचना दी कि मेरा भाई मृत पड़ा हुआ है, पर मैंने थाने में सोच जाके 100 नंबर फ़ोन लगाया, फिर उसके बाद पुलिस आई, मेरे भाई का पोस्टमार्टम किया। किसी पर शक है आपको? शक नहीं, उधर CCTV कैमरे लगे हैं उससे सच्चाई मालूम होगी। इस मामले में हरि सिंह राजपूत निवासी खमा, इसने थाने में आके सूचना दी थी कि इसका भाई सट्टे शिवहरी के मकान में किराए में रहता था, तो तीन चार दिन से घर नहीं आया था। उसके पता आज सवेरे उसने किया तो बंद कमरे पे बाहर से ताला लगा हुआ था, अंदर इसका भाई पड़ा हुआ था। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर FSL टीम को बुलवाया छतरपुर से, ऐसे FSL टीम के साथ में ताला तोड़वा करके
और कमरे का मुआयना किया गया तो मृतक हरि सिंह का बड़ा भाई वीरेंद्र सिंह राजपूत, पिता इंद्रपाल सिंह राजपूत, मृत हालत में पाया गया। शव का निरीक्षण मौके पर और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें शव पे सिर पे चोट रक्तरंजित थी, बिछे हुए कपड़े भी रक्तरंजित थे, और इससे ऐसा प्रतीत होता है किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक की हत्या की गई है। मैं अभी मर्ग पंजीयन किया गया है, देहाती नाल की जाँच की गई है, जांच में लिया गया है, जांच बाद आपको अग्रिम कार्रवाई। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।